एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया है उस जगह को जहाँ पे हैनली अपनी ट्रेनिंग के लिए गया होता है। एंड हैनली उस महल के अंदर जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि वहाँ पे उसकी जैसे कई और वॉरियर्स आए हुए हैं जो कि क्यू रिफाइनिंग स्टेज के 6th फ्लोर पर जाके फाइट करेंगे। एंड वो क्यू रिफाइनिंग स्टेज पर होता है, यहाँ पर वो कहता है कोई बात नहीं, आप यहाँ पर आकर रजिस्टर कर लीजिए अपना नाम। एंड यहाँ पर वो कहता है कि अगर आप हार गए तो आपको यहाँ से जाना होगा, अगर आप जीत गए तो आप बार बार यहाँ आ सकते हो। जिस पर वो कहते हैं कि ठीक है। एंड यहाँ पर वो कहता है कि मैं फ़ाइट किससे करूँगा। तो यहाँ पर पता चलता है कि जो हैनली का नंबर होता है वो 9 होता है एक्चुअली में। तो ये वो लोग कहते हैं कि हिस्ट्री आपको हमेशा याद रखेगा एज अ फाइटर। एंड जिस पर उसके बगल वाला बंदा कहता है कि ठीक है अब थोड़ा तुम कमी बताओ, सामने वाला खुद जाके फाइट कर लेगा। मोस्टली पीपल क्विजिंग आइलैंड से आ रहे होते हैं तो वो सोचते हैं कि ये भी वहीं से होगा। एंड एक बंदे को बाहर निकलते हुए दिखाया गया है जो कि उस मैच को जीत चुका है। एंड वो काफ़ी ज़्यादा घमंड से बाहर आ रहा होता है जिस पर वो कहता है कि अब आप दो मॉन्क्स अब आप फाइट करोगे जिनका नंबर 9 है। एंड उसका नंबर मैंने जैसा कि बताया था कि हैनली का नंबर 8 है एंड सामने वाले अपोनेंट का 9। 8 और 9 नंबर जो फाइटर होता है वो आपस में ही फाइट करने वाले होते हैं एंड इनकी लड़ाई काफ़ी अच्छी होने चलने वाली होती है। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि वो बंदा पहले जाकर वो कहता है कि वो सीनियर फाउंडेशन बिल्डिंग्स में है एंड वो सीनियर फैमिली से बिलोंग करता है तो वो चाहे तो यहाँ से जा सकता है। लेकिन हैनली ऐसा कुछ भी नहीं कहता एंड फाइटिंग करना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर दिखाया गया कि हैनली अपने स्वॉर्ड की मदद से उस बंदे को सिर्फ बेहोश करता है ना कि ख़त्म। जब वो बाहर निकलता है तो यहाँ पर ये दोनों बंदे सो रहे होते हैं एंड उन्हें पता चलता है कि हैनली बाहर आ चुका है। एंड वो कहता है गुड लक एंड लकी लक, यानी कि वो जीत चुका था एंड वो बार बार यहाँ पर आ जा सकता था। यहाँ पे स्पिरिचुअल मास्टर बोलने के दौरान यहाँ पे हैनली का नाम तो वो लोग नहीं जानते लेकिन ली फैमिली से बिलोंग करता है, बस उन्हें यही पता था। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन लेने वाला बंदा होता है वो हैनली से पर्सनली मिलना चाहता था एंड वो ऐसा करता भी है। जिस पर वो कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इमोशनल मास्टर्स आप लोग यहाँ पर बात कर सकते। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि जो बंदा होता है वो कुछ गिफ्ट टाइप की चीज़ें देता है एंड वो बताता है कि विलन्स हमेशा हमारा जब हाफ लोड हो जाता है तभी आते हैं। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पे सी के अंदर एक लैंड मॉन्स्टर है जो कि इनएग्जॉस्टिबल है, यानी कि उसे जलाया नहीं जा सकता। फाइनली यहाँ पर इन लोग के बीच में एक बात होती है एंड जिसके बाद सुबह हो जाती है। सुबह होने के दौरान एक चीज़ दिखाई जाती है कि ये एक पूरे आइलैंड का छोटा सा मैप है जो कि 3D व्यू है जिस पर वो कुछ चीज़ें पढ़ता है। एंड यहाँ पर वो कुछ सामान लेने के लिए भी जाता है लेकिन इस बार सामान लेने के लिए लिव फिंग का इस्तेमाल करता है वो, जिस पर वो कहता है कि ठीक है ये चीज़ सारे सामान वो लेगा। साथ ही साथ उसने एक रेड नीडल भी ली थी जो कि खुफिया तरीके से यूज़ करने पर सामने वाले बंदे को हराया जा सकता है और उसे कुछ रेयर एक्सेलरेटर्स देता है जिससे उनकी बॉडी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकेगी। एंड हैनली वहाँ से अलविदा लेता है। यहाँ पास उसने काफ़ी अच्छी तरीके की चीज़ें खरीदते हुए वहाँ से निकल जाता है। तभी हमें इस बंदे को दिखाया गया है जो कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा अजीब है क्योंकि ये कहता है कि ठीक है तुमने इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए एग्री हो एंड उसे कुछ चीज़ें देता है एंड वो नोटिस को जलाने के लिए भी कहता है, यानी कि इसके शायद खिलाफ़ कुछ अलग सी चीज़ें रही होंगी या फिर कहूँ वारंट टाइप का, तो वो उसे जला देता है। एंड ये पहले बंदा अच्छा होता है लेकिन वो कहता है क्या तुम इस जो प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए एग्री हो, जिस पर वो कहता है कि ठीक है एंड वो वहाँ से वो चला जाता है। अब यहाँ पर ये बंदा सोचता है कि ओल्ड मैन की जो हाई होप्स थी मेरे लिए तो वो अब ख़त्म हो चुकी होंगी, मुझे पता है। एंड ये कह के भी वो वहाँ से निकल जाता है। हैनली एंड ल्यूफिन को दिखाया गया है जो कि एक टापू पर आते हैं एंड इस टापू में एक दरवाज़ा भी होता है जहाँ पर वो अपने एक शील्ड को लेकर क्रिएट करता है एंड ये सोचता है कि वो अपनी माइंड ट्रेनिंग यहीं पर रह कर कम्प्लीट कर सकता है। फाइनली वो उस गुफे के अंदर जाता है एंड माइंड ट्रेनिंग के लिए उसे टेबल एंड बाकी और भी चीज़ें दिखाई गई हैं, जिस पर वो कहता है कि ठीक है वो इस जगह पर ही रहकर अपनी माइंड ट्रेनिंग या फिर अपनी आर्ट्स को परफॉर्म करेगा। जिसके बाद हमें दिखाया गया है कि वो उस बुक को भी साथ में लाया है एंड उसके जो दो स्पाइडर्स हैं वो उन्हें भी लेकर आया है जो कि डीमन स्पाइडर्स हैं। एंड यहाँ पर हमें दिखाया गया कि वो ल्यू फिन को कहता है खुद जाके दरवाज़ा बंद करता है एंड एपिसोड वहीं पर एंड हो जाता है। गाइस अगर आपको मेरी एक्सप्रेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन बिल्कुल ना भूलें। वो मेरा न्यू चैनल है, मैंने उस पर ड्रैगन बॉल सुपर की मूवी भी एक्सप्लेन की है तो जाकर आप लोग देख लीजिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।